तो देखिए, इसराइल एक तरफ जहां एटम बम बनाने की तैयारी में है, वहीं ईरान का नंबर वन दुश्मन इसराइल है, ये पूरी दुनिया को पता है। और इसीलिए ईरान के परमाणु प्रोग्राम से सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा खतरा किसी को है तो वो इसराइल ही है। इसीलिए इसराइल ने दावा किया है कि उसकी तैयारी भी तगड़ी है। दावा किया जाता है कि ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट कोम के पास फोर्डो में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जहां यूरेनियम एनरिचमेंट किया जा रहा है। दूसरी साइट अरक में है, तीसरी साइट बुशेहर में है, चौथी साइट इस्फहान में है जहां ईरान का यूरेनियम रूपांतरण संयंत्र काम करता है। पांचवी साइट नतांज में मौजूद यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है जो ईरान की सबसे बड़ी गैस सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है। वहीं छठी साइट तेहरान रिसर्च सेंटर है। ईरान का नंबर वन दुश्मन इसराइल है, ये पूरी दुनिया को पता है। इसीलिए ईरान के परमाणु प्रोग्राम से ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बड़ा खतरा इसराइल को ही है, इसीलिए इसराइल ने यह दावा किया है कि उसकी तैयारी भी तगड़ी है। इसराइल का दावा है कि ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इसराइल के पास एक नहीं बल्कि तीन प्लान तैयार हैं। दूसरा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर वार, और अगर मामला इससे भी ज्यादा बढ़ा तो इसराइल पूरी तरह से ईरान पर टूट पड़ेगा और उसके सैन्य ठिकानों को दबा कर देगा। हालांकि ईरान परमाणु बम बनाने की अपनी तैयारी को नकारता रहा है, लेकिन इसराइल शुरुआत से कहता आ रहा है कि ईरान झूठ बोल रहा है। दावा तो यहां तक है कि ईरान के परमाणु बम प्रोडक्शन प्रोग्राम में पाकिस्तान ने भी खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। एक हालिया घटना से ये आरोप लगे हैं कि पाकिस्तान ईरान को यूरेनियम बेचने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन से एक बेहद खतरनाक खबर आई कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में यूरेनियम पकड़ा गया है। इस यूरेनियम से एटम बम बनाया जा सकता है। ये यूरेनियम पाकिस्तान से भेजा गया था। पाकिस्तान से ब्रिटेन में मौजूद एक ईरानी कंपनी को यूरेनियम भेजा गया था। सवाल यह है कि क्या जिस पाकिस्तान ने ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने की तकनीक बेची है, अब उसी पाकिस्तान ने एटम बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम भी ईरान को बेचने का कोई गुप्त फैसला किया है। वहीं नाटो की एक रिपोर्ट इस मामले के दूसरे पहलू को उजागर करती है। नाटो की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए एटमी हथियार बनाए हैं क्योंकि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के एटम बम के खातिर ही पाकिस्तान को कर्ज देता जा रहा है। तो क्या ईरान के संभावित परमाणु बम के खतरे को संतुलित करने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान से एटम बम हासिल करना चाहता है, क्योंकि इसराइल पहले से ही परमाणु बम संपन्न है। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो सबसे ज्यादा खतरा इसराइल को ही है। ये वजह है कि इसराइल अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर ईरान को डराता रहता है। इसराइल के टीवी चैनलों ने दावा किया है कि ईरान पर बहुत जल्द हवाई हमला किया जाएगा और निशाने पर ईरान की वो लोकेशन होगी जहां परमाणु बम बनाने का काम किया जा रहा है। अगर इसराइल की मीडिया का दावा सही निकला और इसराइल ने ईरान पर बम गिरा दिया तो बहुत बड़ा बवाल मचेगा। ईरान ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि उसकी मिसाइलों और उसके खतरनाक ड्रोन बेकार नहीं जाएंगे। मतलब ये कि अगर हमला इसराइल की तरफ से हुआ तो ईरान भी जवाब देगा और यूक्रेन युद्ध के साथ ही दुनिया में एक और बड़ी जंग छिड़ जाएगी।